वेलकम गाइस, ITL पर वीडियो में पोको का फ़ोन, इसमें अगर आपको हैंग टच की प्रॉब्लम आ गई है तो आप कैसे शॉर्ट आउट करें ये मैं बता देता हूँ। अभी हम टच चला रहे हैं तो इसमें जो है कुछ ऑप्शन जो है हम सिलेक्ट नहीं कर पा रहे, सिर्फ ये बॉक्स बनकर आ रहा है, ये बस बॉक्स बनकर आ रहा है और इसमें हम कोई भी ऑप्शन यूज़ नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो अगर ये सिचुएशन आपके फ़ोन में आ गई है तो आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर जो है टू फिंगर का यूज़ करेंगे, टू फिंगर का यूज़ करने पे आपकी टच वर्क करने लगती है। अभी सिंगल फिंगर से करेंगे, कोई मूवमेंट नहीं, टू फिंगर से इसमें मूवमेंट आ जाती है, ठीक है। तो सेटिंग वाले ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है और इस पर डबल टैप करना है, ठीक है। डबल टैप करने के बाद आपको नीचे जाना है डाउन साइड पे। तो जैसा मैंने कहा था सिंगल फिंगर से वर्क नहीं करेगा, आपको टू फिंगर से स्लाइड करना है। यहाँ पे आपको एडिशनल सेटिंग इसको सेलेक्ट करके डबल प्रेस करना है, फिर आपको नीचे मिलेगा एक्सेसिबिलिटी, आपको इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और फिर हम इस पर डबल प्रेस करेंगे। ऊपर आपको चार ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जनरल, विजन, हेयरिंग और फिजिकल, ठीक है। तो हमें जाना है सेकंड ऑप्शन पे, विजन वाले ऑप्शन पे, इसको सिलेक्ट करके हम इस पर डबल प्रेस कर देंगे। फिर आपको फर्स्ट ऑप्शन शो होगा टॉल बैक, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, हम इसको सिलेक्ट करके डबल प्रेस कर देंगे। फिर यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा, इसको हम सिलेक्ट करेंगे फिर डबल प्रेस कर देंगे। नीचे स्टॉप आएगा, सिलेक्ट करना है फिर डबल प्रेस। अब जो है हमारी टच सिंगल फिंगर से वर्क करेगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।